हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे सबसे पहले। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पिक्चर और म्यूजिक के साथ वीडियोस बनाने के लिए 7 कूल एंड्रॉयड एप्स के बारे में। जी हाँ, ऑनलाइन फोटो शेयरिंग में जबरदस्त विकास देखा गया है और ये सिर्फ फोटोज नहीं, यहाँ तक कि वीडियोज भी शेयर किए जाते हैं। जब हम स्क्रीनशॉट लेने या ऐप का उपयोग करने के लिए वीडियो से आसानी से एक फोटो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इसका रिवर्स इजी नहीं है। और क्या ये हो सकता है? हालांकि पिक्चर से वीडियोज बनाना मज़ेदार है और मुश्किल भी नहीं है। आप उन्हें म्यूजिक से भी जोड़ सकते हैं, एक फोटो मूवी बना सकते हैं। वीडियोस हमारे दिमाग पर अधिक प्रभाव डालते हैं, यही कारण है कि फोटो से वीडियोस बनाने के लिए ये समझ में आता है। इस वीडियो में हमने 7 फोटो मूवी मेकर एंड्रॉयड एप्स को चुना है, जो आपको अपनी फोटोज एंड वीडियोस से स्लाइड शोज बनाने में बहुत ही किफायती साबित हो सकते हैं। आए तो शुरू करें। फर्स्ट, वीवा वीडियो, वीडियो एडिटर एंड फोटो वीडियो मेकर। वीवा वीडियो एक पावरफुल वीडियो एडिटर है, जो आपको अपनी फोटो से स्लाइड शोज बनाने देता है। यह नए शौक और नियमित यूजर्स दोनों के लिए वीडियोस बनाना आसान है। जब आप फोटो सेलेक्ट करते हैं तो आपको 3 बेसिक्स मिलेंगे, थीम्स, म्यूजिक एंड ड्यूरेशन। नौ सिक्ख्या के लिए ये 3 ऑप्शंस इनफ हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं, आपको एडिट बटन के नीचे एडिटिंग ऑप्शंस मिलेंगे। ऐप अपना खुद का म्यूजिक जोड़ने की क्षमता के अलावा एक ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑफर करता है, जो पूरे वीडियोस या सिर्फ इंडिविजुअल फोटोज पर फिल्टर्स भी लागू कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्स्ट और स्टिकर्स भी जोड़ सकते हैं। ऐप आपको प्रत्येक फोटो की ड्यूरेशन को एडजस्ट करने देता है, जिस सुविधा को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत लाइक करता हूँ। आप अपने वीडियोस में कई म्यूजिक फाइल्स को भी जोड़ सकते हैं, और यदि आप ऐड ट्रांजिशन इफेक्ट जोड़ना चाहते हैं तो ऐप उसे भी ऑफर करता है। हालांकि यह सब एक प्राइस पर आता है। बेशक ऐप फ्री है, लेकिन आपको अपने वीडियो पर ऐड 5 मिनट की वीडियो लिमिट और वाटरमार्क मिलेगा। इन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव और अदर फीचर्स को प्राप्त करने के लिए आपको प्रीमियम वर्जन खरीदना होगा। सेकंड, वीडियो शो, वीडियो एडिटर, वीडियो मेकर, ब्यूटी कैमरा। वीवा वीडियो के सामने ही एक और एडिटिंग टूल्स के ग्रुप के साथ आता है। स्टार्ट करने के लिए आपको अपने वीडियोस के लिए कई फ्री थीम्स मिलती हैं, जो उपन्यास या प्रस्तावना के साथ आती है। यदि आप किसी सर्टेन साइज में फिट नहीं होते हैं तो आपको अपनी फोटोज में बैकग्राउंड जोड़ सकते हैं। इसके अलावा ऐप आपको सबटाइटल्स, इफेक्ट्स, स्टिकर्स, ट्रांजिशन, साउंड इफेक्ट्स और यहाँ तक कि एक वॉइस ओवर जोड़ने देता है। आप अपनी फोटोज पर भी डूडल कर सकते हैं। वीवा वीडियोज के सामने आप अलग अलग फोटोज की ड्यूरेशन को कस्टमराइज कर सकते हैं। आप उन्हें जूम कर सकते हैं, उन्हें घुमा सकते हैं और एक डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं। फिर यदि आप फ्री वर्जन चुनते हैं तो ऐप वाटरमार्क हमेशा आपकी तरफ से होगा। वाटरमार्क और टाइम लिमिट को हटाने के लिए उनके पास प्रीमियम वर्जन है। दिलचस्प बात यह है कि यदि आप अदर बेनिफिट्स नहीं चाहते तो आप केवल वाटरमार्क हटाने के लिए पे करना चुन सकते हैं। थर्ड, क्विक सबसे अच्छा फोटो से वीडियोस बनाने के लिए आसान एडिटर हो गया है। यह एक ऐसी अमेजिंग थीम्स के साथ आता है कि जिसे कोई भी अपने फ़ोन पर वीडियो बना सकता है। थीम्स के अलावा आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फोटोज की ड्यूरेशन बदल सकते हैं, फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन कलेक्शन या अपने स्वयं कलेक्शन से म्यूजिक जोड़ सकते हैं। दुर्भाग्यवश आप अपनी फोटोज पर स्टिकर्स या डूडल नहीं जोड़ सकते, लेकिन लगता है क्या
एप्लीकेशन को आप बग के लिए किसी भी वॉटरमार्क के बिना फ्री पा सकते हैं। 4. फिल्म मोरागो इज अनदर ऑल इन वन वीडियो एडिटर। अन्य एप्स के सामने इसका उपयोग करना भी बहुत आसान है। फिल्म मोरागो थीम्स एंड फिल्टर्स का सपोर्ट करता है और आपको अपनी फोटोज पर ब्रोकन इफेक्ट जैसे ओवरलेज जोड़ने देता है। इसके अलावा ऐप आपके वीडियोस के लिए एक अलग टाइटल सिलेक्शन के साथ आता है। शुक्र है ऐप आपको अपनी इमेजेस को क्रॉप करने और सबटाइटल्स जोड़ने देता है। और यदि आप एक वॉइस ओवर जोड़ना चाहते हैं तो आप इस फिल्म मोरागो के साथ कर सकते हैं। मुझे रियली इस ऐप में स्लाइडर्स पसंद हैं जो आपको फोटोज की ड्यूरेशन चुनने देते हैं। 5. पिक्सग्राम वीडियो फोटो स्लाइड शो। पिक्सग्राम एंड्रॉइड पर स्लाइड शो बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आपको बिना एक्स्ट्रा फीचर्स के तुरंत स्लाइड शो बनाने के लिए एक सिंपल ऐप की आवश्यकता है तो आपको यह ऐप पसंद आएगा। ये आपको म्यूजिक जोड़ने, चेंज स्पीड, फिल्टर अप्लाई करने और अपनी फोटोज पे एक टाइटल जोड़ने देता है। हालांकि यह फीचर्स स्लाइड शो सुविधाओं को ऑफर करता है, इस ऐप में अलग अलग फोटो फीचर्स गायब हैं। मैंने ये भी महसूस किया है कि यूजर्स इंटरफेस अजीब तरह का है। अलग अलग फोटोज में बदलाव करने के लिए आपको वापस जाना होगा। 6. कुंपा वीडियो स्लाइड शो मेकर एंड वीडियो एडिटर। एक उपयोग में आसान वीडियो एडिटर स्क्यूम्पा आपको अपनी फोटोज से अच्छे वीडियोस बनाने देता है। इसमें होम स्क्रीन पर निचले दाएं कोने पर एक फ्लोटिंग ऐड बटन वाला एक फैमिलियर एंड्रॉयड यूजर इंटरफेस है। हालांकि इसके अलावा इंटरफेस रिमेनिंग ऐप से अलग है। हालांकि फिल्टर लागू करने के लिए आपको एक राउंड मेन्यू बार मिलेगा। एक बार आप जब जो फोटोज जोड़ते हैं तो आप इंडिविजुअल रूप से उन्हें एडिट कर सकते हैं या एडिट को एंटायर क्लिप कर सकते हैं। फ्री ऑडियो क्लिप्स प्रदान करने के अलावा ये फोटोज पर अपना स्वयं का ऑडियो जोड़ने के काम भी आता है। दिलचस्प बात यह है कि इस ऐप में GIF कर्स भी प्रेजेंट हैं। इन स्टिकर्स को आप अपने सभी फोटो पर लागू करके अधिक से अधिक लाइवली और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। एंड एट लास्ट 7. वीमो वीडियो मोशन स्टिकर और स्टेटस। ऑल्दो वीमो ऐप मेंशन्ड अबो ऐप्स में मौजूद कई सुविधाएं प्रदान नहीं करता, लेकिन यह एक विशेष सुविधा के साथ आता है। आप अपनी इमेज में मोशन स्टिकर जोड़ सकते हैं। न केवल स्टिकर, आप अपनी फोटोज में एनिमेटेड स्टेटस भी जोड़ सकते हैं। असल में वीमो ऐप एनिमेशन के बारे में, स्टिकर्स के अलावा आप अपने वीडियो में थीम्स और म्यूजिक जोड़ सकते हैं। हालांकि आप ऐप्स के सीधे अपने वीडियो के इंट्रोडक्शन नहीं जोड़ सकते, लेकिन इस ऐप में पर्सनल फोटो एडिटिंग की सुविधाएं की कमी नहीं। चलो एक कूल स्लाइड शो बनाओ। अब जब जब आप फोटो से वीडियो बनाने के लिए 7 ऐप्स के बारे में जानते हैं तो ये आपके इनर क्रिएटिव मॉन्स्टर को फ्री करने का समय है। उन फोटोज को रूम से बाहर निकालें और अपने लव्ड वंस को पर्सनल वीडियो के साथ सरप्राइज करें। थैंक यू व्यूअर्स।